केकेआर की टीम को आखिरी 6 गेंदों में गुजरात के खिलाफ जीत के लिए चाहिए थे 45 रन। उसके बाद रिंकू सिंह ने कर दिया करिश्मा और 99% हारा हुआ मुकाबला को जिता दिया और जड़ दिए लगातार 7 छक्के। दोस्तों, आप भी देखना चाहते हो छक्कों का पूरा वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, आईपीएल 2023 का 13वां मुकाबला गुजरात और कोलकाता टीम के बीच में खेला गया, जिसमें गुजरात की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर बनाया 204 रन का, जिसमें साई सुदर्शन ने 53 रन की पारी खेली, जिसका पीछा करते हुए केकेआर की टीम की शुरुआत बहुत ही खराब रही। 27 रन पे 2 विकेट गिर गए। उसके बाद वेंकटेश अय्यर ने महज 40 गेंदों में 5 छक्कों की मदद से 83 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली। नीतीश राणा ने भी 45 रन का योगदान दिया, मगर दोस्तों यहां तक केकेआर की टीम जीत नहीं पाई थी क्योंकि आखिरी 6 गेंदों में केकेआर की टीम को जीत के लिए चाहिए थे 29 रन और रिंकू सिंह ने लगातार 5 गेंदों में 5 छक्के जड़कर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और उससे पहले 19वीं ओवर के आखिरी गेंद पर चौका लगाया और 5वीं गेंद पर छक्का जड़ दिया। इस तरीके से 8 गेंदों में कूट दिए 41 रन केवल चौकों और छक्कों की मदद से, जिसके दम पर 207 रन बना दिए केकेआर की टीम ने और मुकाबला जीत लिया। और इस मुकाबले के जीतने के बाद शाहरुख खान ने रिंकू सिंह को 25 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया अगर केकेआर की टीम आईपीएल 2023 का खिताब जीतती है तो। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या केकेआर का टीम आईपीएल 2023 का खिताब जीतेगी या नहीं।